Hey guys, Professor Tech here and welcome to my new video. तो guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Rainbow Six Siege के Year 4 Season 4 के बारे में, जहां पे दो नए ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर तुम लोगों को पता नहीं है Rainbow Six Siege क्या है, Rainbow Six Siege एक मल्टीप्लेयर गेम है, जैसे हमारा काउंटर स्ट्राइक है या जैसे हमारा PUBG है। However, it is kind of a mix of काउंटर स्ट्राइक, जहां पे आप 5v5 के टीम में खेलते हो एंड राउंड्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स वो प्लेयर्स हैं जिनको लेके आप खेलते हो, जैसे एपेक्स में होते हैं, जितने भी एपेक्स के जितने भी डिफरेंट प्लेयर्स हैं उतने ही इसी तरह के ऑपरेटर्स हैं। हाउएवर द नंबर्स आर मोर बिकॉज टोटल ऑफ आई थिंक 4 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो इस बार के रेनबो सिक्स सीज का जो पास है वो एक बहुत ही खास पास है, बिकॉज एक चीज़ उसमें बढ़िया हुई है, वो है रेनबो सिक्स सीज टीम में एक पहला इंडियन ऑपरेटर को शामिल किया गया है, जिसका नाम है काली। नाउ इंडियन ऑपरेटर इन अ सीटीयू गेम, सीटीयू यानी काउंटर टेररिस्ट यूनिट गेम, एंड सीटीयू इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, वो सारे किसी न किसी वर्ल्ड के इलीट सीटीयूज में से आते हैं। तो काली जो कि एक इंडियन है, एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, ये सीज के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि काली के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पहला बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल, जो कि कस्टमाइज्ड है फॉर काली, एंड इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन्स जो अवेलेबल है, मतलब खतरनाक वेपन एक इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट इज रियली नाइस। एक बोल्ट एक्शन, मतलब जैसे हम लोगों का कार 98 है, बोल्ट एक्शन एक हिट के बाद आपको लोड करना पड़ता है, रीलोड करना पड़ता है, दैट यू हैव टू डू अगेन। सो बेसिकली गाइज, सो काली इज एन इंडियन ऑपरेटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी भी बैक स्टोरी है, एंड उसकी बैक स्टोरी ये है कि वो पहले मिलिट्री में थी, बट इंडिया में मिलिट्री फोर्सेस में कॉम्बैट रोल में लड़कियों को नहीं लिया जाता है। तो इसकी वजह से काली जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी बिकॉज शी कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉम्बैट रोल, एंड वो बहुत ही खास थी, मतलब मारपीट एकदम दबा के करती थी, एंड शी वॉज स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड वॉरियर फॉर दैट। हाउएवर बिकॉज इंडियन मिलिट्री में कॉम्बैट रोल्स में नहीं मिलता है, तो उन्होंने मिलिट्री से हट के शी मेड एक इंडियन प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स वो काम करते हैं, एंड इसके बाद उन्होंने जो है सीज को ज्वाइन किया है, एंड सीज में उनके साथ ज्वाइन किया है वमाई ने, जो कि एक कीनियन ऑपरेटर है। तो आपको अगर काली के साथ खेलना है इस गेम में, तो ईयर 4 पास है, अगर खरीद रखा है आपने तो आपको फ्री में मिलेगा। एंड जनरली जो लोग सीज के लिए नए हैं, आपको एक गेम खरीदना होता है, एंड वो गेम खरीदने के बाद आपको उसके अंदर के ऑपरेटर्स में इन्वेस्ट करना होता है, या फिर आप गेम को इतना खेल सकते हो कि आपके पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स हो जाए कि आप सारे ऑपरेटर्स को रिनाउंस को कलेक्ट कर सके बिकॉज आपने इतना ज़्यादा खेला हुआ है, एंड उनसे अनलॉक कर सके। तो बोथ द ऑप्शंस आर देयर। तो काली के लोडआउट एंड स्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो काली एक बॉम्ब है रियली, बिकॉज काली के पास एक यूनिक कस्टमाइज CSRX 300 स्नाइपर राइफल है, एंड सेकेंडरी है एक P226 MK 25 पिस्टल, जो कि बहुत ही मस्त है एज अ सेकेंडरी, एंड प्राइमरी बिकॉज इट इज़ अ न्यू वेपन वेरी ओपी है। तो CSRX 300 एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है, जिसमें 5x एंड 12x का जूम है। इस राइफल से आप मल्टीपल दीवारों में टूटने वाले सर्फेसिस पे एंड दुश्मनों को शूट कर सकते हो, मतलब एक लाइन में अगर दो या तीन लोग खड़े हैं तो आप तीनों को डैमेज करोगे। साथ ही एनिमीज जनरली एक ही शॉट में मारे जाएंगे अगर आपने ठीक ठाक उसको एम किया होगा तो, एंड अगर बच गए तो आपका दुश्मन जो है वो जब गिरता है, वो डैमेज तो वो उसको ले गई, बट वो जब गिरेगा तो उसका फेस आपकी तरफ हो जाएगा। सो काइंड ऑफ एक कौन है आपका, काली का जो सेकेंडरी वेपन है वो एक उसे और पावरफुल बना देता है, बिकॉज बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल क्लोज कॉम्बैट में जनरली काम नहीं आएगा, बट जो उसका सेकेंडरी वेपन है दैट इज़ एन LV एक्सप्लोजिव लैंस, जो कि उसके स्नाइपर पे ही अटैच हो जाता है, एंड यहाँ पे जब आप उस सेकेंडरी को यूज करते हो तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो स्नाइपर है उसके नीचे से एक बॉम्ब टाइप का निकलता है जो दीवारों को फोड़ सकता है अगर वो ब्रेकेबल हुए, एंड अगर दीवार मान लो कैसल के जो मैट्स हैं वो हैं तो एक छेद करके दोनों तरफ के जितने भी गैजेट्स हैं उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एडिशनल सेकेंडरी जो उनको दिया गया है। तो इसका यूज करके आप लोग दीवारों को तोड़ सकते हो या फिर अनब्रेकेबल दीवारों में छेद कर सकते हैं, एंड खास बात यही है कि ये
तो बूम होता है तो दीवारों के दोनों तरफ जितने भी एनिमी के वेपन्स वगैरह हैं वो सब वो खत्म हो जाते हैं। तो काली एक अटैकिंग ऑपरेटर है एंड वो मीडियम स्पीड एंड मीडियम आर्मर में आते हैं, यानी कि स्पीड भी ठीक ठाक है एंड आर्मर भी काफी अच्छा है। शॉर्ट रेंज में तुमको इसका जो सेकेंडरी है उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि है एक C75 ऑटो एंड वो बहुत ही बढ़िया गन है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी उस सेकेंडरी को यूज करने में फॉर टेकिंग मेजर किल्स, जब आप स्नाइपर मिस कर दोगे तब। नाउ अच्छा तो सब कुछ है, हाउएवर देयर आर सम इश्यूज विद दिस एज वेल एंड द इश्यूज आर कि ऑपरेटर रेट्स की बात करें तो वो काफी स्नाइपर पावरफुल दिया गया है, बट जो स्नाइपर है वो जब आप चलाते हो तो वो काली का लोकेशन रिवील कर देते हैं। तो अगर आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपने जिसको हिट किया उसको लोग मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनको एक स्मोक का ट्रेल दिखेगा एंड वो देख के वो आपकी लोकेशन को हिंट कर सकते हैं। सो ये दिस इज अ वेरी बिग इशू बिकॉज आपका लोकेशन आप आउट हो जाते हो एंड यू विल बी टारगेटेड इमीडिएटली। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग जो है दैट इज समथिंग पर्सनल एंड उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जो जितने भी अभी तक के ऑपरेटर्स थे वो सभी के सभी सीज में दे वर टेकन फ्रॉम द सीटीयूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। नाउ इससे मेरा इशू ये है कि इंडिया के पास भी देयर आर सम सीटीयूज, जैसे कि एनएसजी है, एनएसजी के अंदर अगर आप बात करो तो एसएजी है, दैट इज जो आर्मी के एलीट वॉरियर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है सीटीयूज की, तो दे कुड हैव टेकन फ्रॉम दैट बिकॉज दैट इज इंडियाज प्रीमियर सीटीयू एंड इसने बहुत सारे ऐसे अभी तक काम किए हैं एंड जैसे उसका विकीपीडिया खोलोगे तो यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ मिशंस वेयर दे हैव बीन डिप्लॉयड एंड दे हैव टेकन आउट द टारगेट्स एंड द हॉस्टेजेस वेरी सक्सेसफुली। सो आई थिंक अगर वो इसी सीटीयू को समवॉट अटैच करते इंडियन एनएसजी के साथ तो सबसे आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर। हाउएवर बिकॉज मिलिट्री में लड़कियां नहीं अलाउड है कॉम्बैट रोल्स में, सो दैट इज़ वाई आई थिंक नाउ उन्होंने एक ओवर द वे अप्रोच निकाला है जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो काली है शी पहले मिलिट्री में थी एंड उसके बाद वो छोड़ के शी वेंट फॉर हर ओन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक यूबीसॉफ्ट ने बहुत ही दिमाग लगाया है इस पे एंड आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर देम। आई एम गुड विद द मतलब जो ऑपरेटर है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ एंड जितना जल्दी मैं वो अनलॉक होगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्ले सम गेम्स विद हर। इसके अलावा गाइज अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद है और इस तरह की और भी ऑपरेटर वीडियोस तुम लोग को चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ, आई एम गोइंग टू मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोस एज वेल एंड हम लोग सीज को भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे फॉर यू नो हैविंग सम फन। तो गाइज फिर मिलता है अपना अगले वीडियो में, आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।